कि मैं अब शरीफ हो गई हूँ। मैंने ये बहुत बैठ के सोचा, मेरे अंदर का जो इंसान था या इंसान है, औरत जो है, लड़की जो है, वो जाग गई और उसने कहा कि नहीं महलीज, आपको सोचना चाहिए, आपको अपनी आखिरत का सोचना चाहिए। इतने लोग आकर आपको ये नसीहतें देते हैं, कुछ सुन लो वरना तुम्हारे फिर बारबेक्यू बनेगा। और फिर मैंने जाकर मैंने सना खान को सुना। मुझे सना खान की बातें इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं, क्या पूछे नहीं, कितनी अच्छी लगती हैं मुझको। तो मैंने सना खान को सुना और जिस तरीके से उन्होंने अपना दरस दिया, तो मैं तारिक जमील को भूल गई। वो मुझे तारिक जमील से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लगी। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे सही से समझाया है इस्लाम। तारिक जमील जो है ना, आज के आजकल के वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, आजकल के जमाने की नहीं है। हमें आजकल के जमाने के लोग चाहिए समझाने वाले, जैसे कि सना खान। तो उन्होंने मेरे को समझाया तो मेरी खोपड़ी में फिर समझ में आई। तो मैंने कहा मालिश थोड़ी सी सुधर जा, थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा करके बदलाव आएगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं चादर पहन लूं, ये दुपट्टा। बस मुझे एक चीज की जरूरत है आप लोगों की, मुझे एक, मेरी बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि गाइस मुझको थोड़े दुपट्टे भिजवा दो। मेरे पास एक ही ये सफेद दुपट्टा है, मैं इसमें विधवा लगती हूँ। मुझको कोई कलरफुल दुपट्टा, लाल दुपट्टा मेरे को भिजवा दो ना, ताकि फिर इसमें मैं दुल्हन लगूं। ये काला भिजवा दो ना हिजाब, मुझे काम करो, मुझे एक बुरका भेजा, मुझे एक बुरका कोई भिजवा दो। देखो कितना नेकी का काम होगा, फेसबुक वालों आप ये कर सकते हैं। आप लोग मेरे ना ओनली फैंस पे जाकर ना वहां पर ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं एक बुरका खरीदूं। इस्लाम का मजाक बना रही है। मोहम्मद अब्दुल्ला जी, इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम मेरे पे, वो भी मेरी जैसी शरीफ लड़की पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं इस्लाम का मजाक उड़ा रही हूँ। आपको शर्म नहीं आती? आप कौन से, आपने कैसा ठेका ले रखा है हर इस्लाम फॉलो करने वाले का, मुसलमान का, आप बताएंगे हमको? हाँ अब बताइए, आपने ठेका ले रखा है ये कौन कैसा मुसलमान है, क्यों मजाक उड़ा रहा है? मैं शरीफ हो गई हूँ यहाँ पे, तो आपको वो भी नहीं हजम हो रहा। आप चाह रहे हो, आप तो चाह रहे हो कि मैं दो रतन दिखाऊं अपने, आप तो चाह रहे हो मेरे वाटरमेलन नहीं दिख रहे इस वक्त, आप तो देखने ही वही आए थे ना। ये अल्लाह मियाँ की देन है, ये अल्लाह मियाँ ने मेरे दिमाग में सना खान डाली। मैंने सना खान को सुना तो अल्लाह मियाँ ने मुझको ये मैसेज भेजा सना खान के थ्रू कि शरीफ हो जाओ मान लीजिए। बहुत बदमाशी कर ली है तुमने, बहुत 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 बदमाशी कर ली है तुमने। बस ये पठा जी कह रहे हैं, एनी मैसेज टू पाकिस्तानी तालिबान सपोर्टर्स? ओ भाई पठा जी, वो मेरे भाई हैं, वो जो बैठ के पाकिस्तान में जो बैठ के तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरे भाई हैं। आप मेरे भाइयों को ऐसे बोलेंगे? फॉलो करें, अब यहाँ पर नातें चलेंगी, हम रोजाना तिलावत करेंगे यहाँ पर। अब ये फेसबुक का पेज शरीफ हो गया है, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ नहीं, शराफत नहीं देखना चाहते ना, तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अलमिया इसको हिदायत दीजिए, अलमिया ये जो है ना आपके रास्ते से भटक गया है, अल्लाह इसको प्लीज ने एक रास्ते पे। मैं बेटा आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ मलिक वकास जी, दवाई तो आप पे काम कर नहीं रही है। मजाक नहीं उड़ा मेरा, तुम लोग मजाक नहीं उड़ाइए। मेकअप हलाल है, मेकअप हलाल है, सना खान ने करा, सना खान ने मुझे बताया है, उन्होंने मुझे बताया है कि आप मेकअप कर सकती हैं, कोई बात नहीं, मेकअप हलाल है जी। आप मेकअप करके और ये क्या कहते हैं, मैं हिजाब पहन के जो है मैं स्विमिंग भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं स्विमिंग भी कर सकती हूँ, मैं दुबई भी आ सकती हूँ, मैं मालदीव भी आ सकती हूँ, एज लॉन्ग एज मेरा मुफ्ती, अभी मेरा जो शौहर है मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए एंजल्स भी आने शुरू हो गए। अल्लाह मियाँ थैंक यू, अल्लाह मियाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए फरिश्ते भेजे हैं। ये फरिश्ते आप लोग मेरे फरिश्ते यानी फरिश्ते का रूप बन के आए हैं आप लोग मेरे लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं अपने आंसू आंसू पोंछ रही हूँ। अल्लाह सीधा आ नादान औरत, क्या मतलब आपका? मैं नादान थी, नादान, बहुत नादान थी मैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत गंदी गंदी हरकतें की हैं। मैं आधी लाइफ तो मैंने नंगी गुजार दी है, यानी मैंने कपड़े ही कहाँ पहने आधी लाइफ। मुझे कितना अफसोस है कि मैंने आधी लाइफ अपनी नंगी गुजार दी, खुले डुले। अब मुझे एक काला जब्बा पहन के अपनी सारी लाइफ जो है ना काले जब्बे में गुजारनी चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।
लमिया सफरुल्ला, ये कहां से शैतान आ जाता है बार बार मेरे ऊपर। आप लोगों ने सही कहा है, जिन्नात हैं। और मैं वाकई में सब चीजों पे, मेरा वाकई में भी बिलीव दोबारा से आ गया है, जिन्नात, फरिश्ते और शैतान। ये शैतान जो है ये मुझे नहीं छोड़ता है, तेरी भी आखिरत खराब है। नौमान जी, मैं तो अब शरीफ हो गई हूँ, तो ये क्या बात हुई? सना खान शरीफ होती है तो आप उसकी वाह-वाह जय जयकार करते हैं, मैं शरीफ होती हूँ तो आप कहते हैं कि मेरी आखिरत फिर भी खराब है। ये क्या, आई मीन, मुझे समझ में नहीं आया वैसे। मौलवी तो कहते हैं आप मरते हुए आप कलमा पढ़ लो तो आपने जन्नत में चले जाना है फौरन, तो आप मुझको कह रहे हैं कि मैंने मेरी आखिरत खराब है, क्यों? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज, ये तो कोई बात नहीं हुई भैया। मौलवी साहब, ये तो आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये नहीं। सना खान कौन है? सना खान एक बहुत अच्छी नेक औरत है, बहुत ही शरीफ। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है। जी, आर यू ओरिजिनली ज़ोरास्ट्रियन पारसी? जी, मैं थी किसी जमाने में, अब मैं मुसलमान हो गई हूँ, अब मैंने अल्लाह मियाँ को कबूल कर लिया है, अब मैं सुधर गई हूँ। ओके, मुझे सुधरने दो गाइस, मुझको सुधरने दो। सो एक सेकंड गाइस, बाल कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं, अल्लाह मियाँ ना मुझे जलाएंगे फिर, और जितने बाल दिखेंगे उतना मैं जलूंगी। आज से मैंने नया चीज शुरू की है, आज हम बैठ गए यहाँ पर इस्लाम पे दरस देंगे। मैं मुसलमान हो गई हूँ दोबारा से, एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट टीचिंग यू गाइज अबाउट इस्लाम, जैसे कि सना खान कर रही है। मेरी रोल मॉडल है सना खान, तो सना खान की बातें सुन के मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, और मैं इंस्पायर होकर आप लोगों को भी इंस्पायर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सारे मेरे मुसलमान भाई मेरे को सपोर्ट करें। आप लोग मुझको डोनेशन भेज सकते हैं मेरे पेपाल पे, ठीक है ना? ओनली फैंस तो मेरे को बंद करना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ ओनली फैंस पे भी ना डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ना, आप लोग जो मुझे बुरके पहनेंगे ना उसमें तस्वीरें खिंचवाओ, वो डिफरेंट डिफरेंट बुरके पहन के तस्वीरें खिंचवा के ना, फिर वो तो आप लोगों को पसंद आएंगे ना, उसके लिए तो आप बड़े बड़े पैसे दे सकते हैं ना शरीफ होने के। तो जल्दी जल्दी से मुझको भिजवाइए, हम डिफरेंट टाइप के बुरके पहनेंगे वहां पर। और अगर आप चाहते हैं तो फिर मुझे आप मुझे पेपाल पे भी भेज सकते हैं। वैसे आप, एक बात कहूं, आप इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं, एक्टिंग लग रही है आपको ये? वाह जी वाह, सना खान करे तो एक्टिंग नहीं लगती इनको, मैं करूं तो एक्टिंग हो गई फौरन। क्यों क्यों, मैं मुसलमान की नहीं हो सकती? नहीं, मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं क्यों नहीं सुधर सकती? वीना मलिक सुधर सकती है, इमरान खान सुधर सकता है भाई। ओप्स ओप्स, गाली नहीं देने वाली, गाली नहीं देनी, गाली बुरी बात है, तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ? मैं क्यों शरीफ नहीं हो सकती? मेरा जमीर नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है मेरा जमीर मर चुका है? जमीर तो आपका मर चुका है जो आप ये बातें कर रहे हो। ओनली फैंस में एक पॉलिसी टू रिमूव पोर्न कंटेंट, हाँ उन्होंने कहा था, वो पब्लिसिटी स्टंट था, फिर उन्होंने वापस ले ली वो डिसीजन। ये सारा आप लोगों को बेवकूफ बनाने की वो थी, जिसको नहीं भी पता था ना ओनली फैंस का, अब उसको ओनली फैंस का पता है। जी, इसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। यस, मुझसे पूछ लिया करो ना, मीडिया में मैं काम कर चुकी हूँ, मेरे को पता है ना पब्लिसिटी स्टंट्स कैसे करवाए जाते हैं। लोग तो अपनी नंगी नंगी वीडियोस लीक कर देते हैं पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए। वैसे आप लोगों ने मेरी आज तक कोई बना की क्यों नहीं लीक की? मैं तो इंतजार में बैठी थी। तुम अच्छी लड़की हो, वो तो मैं हूँ राना उमैर जी, मैं हूँ, मगर यहाँ पे ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे, मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे। देखिए, आप लोग भी बिलीव नहीं कर रहे, आप लोग भी शेयर नहीं कर रहे। अभी मैं दो रतन दिखा रही होती तो आप लोगों ने शेयर कर देना, तो यहाँ पे सारे लोग आ जाते। आज मैं मुसलमानों को, अपने भाइयों को यहाँ पर खुश करने आई हूँ, पूरे कपड़े पहन के, सर पे दुपट्टा लेकर, तो आप लोग मुझ पर बिलीव ही नहीं कर रहे हो, बड़ी उदासी है। मालीज, हैव यू ट्राइड वीड इन कैनेडा? वीड, मेरे कान, ये क्या कह दिया आपने? हराम हराम हराम, मैंने वीड वीड आज तक कभी देखी भी नहीं। वीड होती क्या है? कौन सी वीड? ये जो बाहर ग्रास में निकलती है, जो ग्रास पे उगती है, वो वाली वीड? वो वाली वीड मैंने देखी है, बाकी कौन सी वीड की आप बात कर रहे हैं? और कौन सी वीड होती है? मेरे भाइयों देखो, वीड की बात कर रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं, तोबा तोबा तोबा। सफवार, आपको पता है नशा हराम है? नशा हराम है। वो अलग बात है कि मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मॉर्फिन मेरे को लगा देते जिसमें हीरोइन होती है, मगर वो ठीक है, हलाल है। उस वक्त जब आपकी तबीयत खराब हो ना तो तब हलाल है, मगर वैसे नहीं, वैसे नशा हराम है। ये कैसा लिबास है आपका? क्या
क्या मतलब है दादा सीनियर जी, व्हाट डू यू मीन, कैसा लिबास है, और कैसा लिबास होना चाहिए मेरा, मेरा और कैसा लिबास होना चाहिए, इससे खूबसूरत लिबास आपने कभी देखा है, लड़की दुपट्टे में शलवार कमीज में ढकी हुई ज्यादा खूबसूरत लगती है जी, आपने सुना नहीं है, कैंडी को रैप करके बाहर रखोगे तो उसपे मक्खियां तो आके बैठेंगी, अब आप मक्खे हो तो आपने कैंडी पे तो आके बैठना ही है ना, तो मैं कैंडी तो आप मक्खी, तो देख के बैठते हैं, आपको पता नहीं है गोश्त को आप खुला छोड़ेंगे तो गोश्त पे आके कुत्ते तो लिपटेंगे ही ना, तो आप कुत्ते तो मैं गोश्त, तो इसी वजह से मैंने गोश्त ढक लिया है जी, ताकि मेरे पे कुत्ते नहीं पड़ जाए। ट्राई वीट, इट्स गुड एंटी डिप्रेसेंट। नीरज जी ऐसी बातें नहीं करते हैं, एक बार कलमा पढ़कर सुना दो महलीज। मैं कलमा पढ़ लूंगी तो क्या आप लोगों को मुझ पे भरोसा हो गया, हो जाएगा कि मैं शरीफ हो गई हूँ, फिर आप लोग मेरे को डोनेशन प्लीज देना ताकि मैं बड़े बड़े कपड़े पहनूं, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है, आपको पता है कपड़ा कितना महंगा है, आपको पता है कपड़ा कितना महंगा था, एक गज इतना, और जब पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं स्पेशली झब्बे तो उसमें कपड़ा कितना लगता है, उसमें पैसा कितना लगता है, अब इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं ना, तो उसमें आप अपनी बहन की मदद कीजिए मेरे, प्लीज पेपैल पे जाइए, वहां पे मुझे $1,000-2,000 भेजिए ताकि मैं जो है अच्छे तरीके के कपड़े खरीदूं, सलवार कमीजें खरीदूं, बुरके खरीदूं, है ना, साड़ी नहीं, साड़ी नहीं, साड़ी नहीं, ना साड़ी काफिरों का, मैं काफिर, काफिर नो नो जीन्स, सारे मुझे अपनी जीन्स को मैंने आग लगा देनी है, अपनी सारी जीन्स को, ये सारी यहूदियों की ईजादें, काफिरों की ईजादें, नो ना जीन्स तो शैतान, शैतान आपको जीन्स पहनवाता है, शैतान का सिंबल है जीन्स, आपको पता नहीं है, शैतान का सिंबल है एलुमिनाटी का, वो लोग पहनते हैं जीन्स जी, तो कोई टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बस मैंने सारे अपने कपड़ों को अब आग लगा देनी है, मैं सिर्फ चाहती हूँ आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए, प्लीज पेपाल पे मुझे पैसे भेजिए ताकि पूरे पूरे कपड़े खरीदूं, अभी भी मेरे पास पूरे कपड़े नहीं पहने हुए, बस मुझे ये चादर बचा रही है मेरे जिस्म को, मेरे इस गोश्त को जो पागल कुत्ते काट लेंगे अगर वो थोड़ा सा भी दिख गया, तो इस वजह से मुझे ये प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। हराम काम मालिश ने करना छोड़ दिया, मैंने सारी बोतलें तोड़ दी आज, मैंने सारे वीड के प्लांट्स उखाड़ के फेंक दिए, मैंने सब कुछ, मैंने अपने कपड़ों को भी जला देने, ये देखिए नीचे ये आपको दिख रहा है ना मेरा कमेंट, मैं इसको पिन कर देती हूँ ताकि ये वाला मेरा यूट्यूब का चैनल है वहां आ जाइए ताकि वहां पर आपसे फिर बात हो। अच्छा अजीज मोरानी जी कह रहे हैं इस्लाम तलवार से शुरू और शलवार पे खत्म, ये है कलमा, नहीं आप कैसी बातें करें अजीज मोरानी जी, आप हमारे इस्लाम के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, शलवार कमीज चाहिए मुझको, तलवार नहीं चाहिए, मैंने शलवार कमीज के लिए यहाँ पर डोनेशन मांगे हैं, आपकी क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आती है, आप हमारे रिलीजन इतना पीसफुल रिलीजन है उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा होता बंदा पढ़े हुए लिख के बात करता है, आप ऐसी बातें कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं, पता होता होता नहीं है, कभी एक किताब पढ़ी नहीं इन लोगों ने, बस आके बकवास करना शुरू हो जाते हैं, मेरे पिंड के मौलवी जो है ना जिन्होंने 2 ग्रेड पढ़ी है सिर्फ, उनको आपसे ज्यादा पता है इस्लाम का, इस्लाम का तो छोड़ो उनको साइंस का भी पता है, उनको सब पता है इलॉन मस्क और ये सब क्या है, आपकी कोई औकात है उनके सामने, हम आज जो है ना हम बड़ा लाइट सा मेकअप करेंगे, मैं नहीं चाहती कि भड़कीला शड़कीला इतना मेकअप हो, मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखें देख कर किसी की तलवार कड़ी हो जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मासूम मर्द जो है वो मेरी तरफ देखे और वो मजबूर हो जाए कि वो मुझको आके हाथ लगाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने भाइयों पे ये जुल्म करूं, ऐसा हो ही नहीं, तो मैं एक अच्छी मुसलमान लड़की हूँ, औरत हूँ, लड़की हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोगों पे ये तशद्दुद मैं करूं, इसी वजह से ना मैं भड़कीला मेकअप नहीं करूंगी आज, इवन तो सना खान कर लेती हैं, मगर सना खान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां एक मौलवी साहब है ना, मेरे पास मौलवी नहीं है, कोई मौलवी अवेलेबल है तो प्लीज मुझे रुजू कीजिए, मैं आपकी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ वो मैंने इतने गुनाह किए कि अल्लाह पाक अब जो भी मुझको देगा मैं बस चुप करके कबूल कर लूंगी, अब मेरी नसीब में जो भी होगा, वैसे भी मेरी एज निकल गई है,
शादी की, तो जो कोई भी हो, बुढ़ा भी चलेगा मेरे को, बस बस मौलवी होना चाहिए और थोड़ा पैसा होना चाहिए, हीरे की कान वगैरह ऐसी कुछ छोटी मोटी, वो चले जाएगी। अल्लाह की हिदायत का नूर आपके चेहरे से टपक रहा है, आई नो, जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा उसके बाद मेरा आपको चेहरा देखना था। मालिश को मेकअप वेकअप की जरूरत ही नहीं है अब, मालिश के वैसे ही फाउंडेशन या हाइलाइटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई है मेरी शक्ल सिर्फ कलमा पढ़ने से। आप देखिए, और ये लड़कियां बैठ के वहां पे मेकअप करती रहती हैं, हाईलाइटर लगाती रहती हैं, आज मेरे को हाईलाइट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कुत्ते की मौत मरोगी, बंधु मेरे मेरे मुसलमान भाई मुझ पे इतना जुल्म करते हैं, देखो मैं अल्लाह मियाँ इनको पूछना जरूर, अल्लाह मियाँ देखिए आपकी बंदी का कितना दिल दुखा रहे हैं, इतना दिल दुखा रहे हैं कि आपको पता नहीं है, मेरे दिल में बड़ा दर्द हो रहा है इस बात। मैं रो नहीं सकती क्योंकि मैं मेकअप कर रही हूँ, मगर अल्लाह मियाँ जी प्लीज प्लीज वॉच आउट, अल्लाह मियाँ जी देखिए इनके अंदर भी शैतान घुस गया है, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों को ना शैतान घुस जाता है तुम लोगों के अंदर इंटरनेट पे आकर। ये इंटरनेट जो है ना यहूदियों की साजिश है, हम लोगों के बच्चों को, हम लोगों के मर्दों को, हम लोगों की जनरेशंस को तबाह बर्बाद करने की, मुसलमान उम्मा को तबाह बर्बाद करने की साजिश है, ये यहूदी यहूदी साजिश है, लानत तुम पर। देखो यार ये देख लो यहाँ पे यार, वो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट 2000 पे जाती है, 2500 पे जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। फेसबुक वालों क्या कर रहे हो तुम लोग, आपकी बातें इधर उधर की क्यों होती हैं, पिक्स एक लाइन क्या मतलब, आपकी मतलब क्या है वो एक लाइन, मैं आज हम यही तो बात कर रहे हैं कि मैं शरीफ हो गई हूँ, मैं वापस राह पर आ गई हूँ, तो इसके बजाय कि आप लोग कहते हैं माशाल्लाह सिस्टर माशाल्लाह सिस्टर मुझे बधाइयां देते हैं, तो मुझे गालियां दे रहे हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को, यही सिखाया है आप लोगों को हाँ, कि बंदा अगर वापस, वो कहते हैं ना सुबह का भटका रात को 2 बजे वापस घर आ जाए, तो घर तो आ गया है ना, तो मैं चाहे 2 बजे या 4 बजे आ गई घर, घर तो आ गई ना, भटक गई थी मैं क्या करूं, थोड़ा सा लॉस्ट हो गई थी, जीपीएस ने सही बताया नहीं, तो मैं क्या करती, इसमें मेरा कसूर थोड़ी था, तो मगर अब तो वापस आ गई ना, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग मुझको गालियां देंगे। अल्लाह मियाँ आपकी मखलूक है, आपने ये क्या बनाई है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये, इनको किसी पल चैन नहीं है। देखिए मैं अभी दो रतन दिखाऊं तो यहाँ पे लोगों को बड़े, सना खान भी लॉस्ट हो गई थी हाँ ना, सना खान को भी रस्ते पे वो आ गई और उसने मुझे रस्ते पे लाई। सना खान जी अगर आप ये मेरा वीडियो देख रही हैं, मैं आपको सलूट करती हूँ, आपको देख कर मैं सुधर गई, पहले पहले मालिश ऐसी होती थी पहले मालिश की लाइन दिखती रहती थी, मगर आपको देखकर आपकी वजह से अब मालिश सुधर गई है। अल्लाह मियाँ प्लीज मेरे को माफ कर देना, मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा सैंपल दिखाना पड़ रहा था इस वजह से, मगर देखिए जरा जी अब आपकी बातें सुनकर, इतने अच्छे अच्छे दरस सुनकर मालिश वापस लाइन पे आ गई।